बहुत स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू के यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है चंदन शर्मा और ये है द इंडियन एक्सप्रेस सीरीज जो रोज़ सुबह सवा दस बजे स्टडी आई क्यू के यूट्यूब चैनल पे आपके सामने हाजिर होती है यहाँ पर हम न्यू डेली एडिशन के अखबार का एनालिसिस करते हैं एंड पर्टिकुलरली ये एनालिसिस यूपीएससी आई एग्जाम को टारगेट करता है लेकिन सिर्फ उसी एग्जाम को टारगेट करने के साथ साथ बेसिकली इस एनालिसिस से आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के भी कई टॉपिक्स कवर हो जाते हैं एंड कई और कॉम्पिटेटिव अप्रैल न्यू डेली एडिशन में आए इंडियन एक्सप्रेस में हम सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों को आज आपके सामने डिस्कस करेंगे तो पहला मुद्दा पहला मुद्दा जो है इट इज रिलेटेड विद पीटर हिग्स ठीक है कल के सेशन में हमने देखा था पीटर हिग्स के बेसिकली 94 की एज में देहांत हो गया ये एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट माने जाते हैं और इन्होंने दुनिया में एक बहुत क्रूशल कॉन्ट्रीब्यूशन की बाय थ्योरेटिकली पॉस्टुलेटिंग द हिग्स वोजॉन पार्टिकल ठीक है तो इसकी चर्चा आज हम करेंगे और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल को और उसके साथ मार्क की गई कुछ एनोटेशंस को अपने

पार्टिकल फिज़िक्स ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमारे एनवायरमेंट में एंड अदरवाइज पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को बेसिकली एनालाइज कर रहा था इन सब चीज़ों को करते हुए एक क्वेश्चन सबके सामने आ रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है जो किसी एक पार्टिकल को उसका मास प्रोवाइड करती है मास पार्टिकल्स की एक इंटरेंसिक प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसका मास भी होगा एग्जाम्पल लाइट इज कम्पोज ऑफ चीज आपको पता है ना कि अ लाइट की ड्यूअल एज पार्टिकल तो जो पार्टिकल जो बेसिकली लाइट को कंपोज करते हैं kind of उनको फोटो कहा जाता है फोटो आर मासलेस एंड सो आर इलेक्ट्रॉन्स बट प्रोटो इनका मास होते न्यूट्रॉन्स का भी मास होते तो सभी साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि वो क्या चीज है जो इन पार्टिकल्स को एंड इवन सब अटोमिक पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करती है इस बीच पीटर हिग्स शोध करते हैं रिसर्च करते हैं और उनके रिसर्च से वो एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं पीटर हिग्स कहते हैं कि, कि किसी भी पार्टिकल को उसका मास मिलता है एक फील्ड से जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है ठीक है एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी मैग्नेट या आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो उसकी एक ओरिएंटेशन सी हो जाती है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है उसी प्रकार से देर इज अ फील्ड उस फील्ड में जब किसी पार्टिकल को आप एंटर करवाओगे तो उस पार्टिकल की उस फील्ड के साथ इंटरैक्शन डिटर्मिन करेगी कि उसका क्या मास होगा इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में मौजूद इस फील्ड को कहा गया हिग्स फील्ड और हिग्स फील्ड एक पार्टिकल से क्रिएट हो रहा था जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज क्रिएटेड बाय प्रोटॉन्स ठीक है है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोटॉन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइट तो जो भी इस तरह का पार्टिकल है जो एक फंडामेंटल पार्टिकल बनता है एक फील्ड के पीछे ठीक है जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में प्रोटॉन इज द फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल जिसकी एक्टिविटीज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट हो रहे तो इस तरह के पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है Bosons, Bosons term, is, है 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 ठीक ठीक इज इज बेसिकली अ टर्म दिस आर क्या ये वो बेसिकली पार्टिकल्स हैं राइट जो एक फील्ड को जनरेट करते हैं ये फील्ड क्या हो सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं ठीक है ये हिग्स फील्ड हो सकते हैं तो हिग्स फील्ड को द फील्ड विच आई होप इस, इस ये, ये चीज आपको समझ लग रही है ठीक है तो बेसिकली हिग्स फील्ड वो है जो सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास देता है और यह हिग्स फील्ड बनाता कौन है हिग्स बोजॉन ठीक हैल इसको बेसिकली क्रिएट करते हैं अब बात ये थी कि 1964 में जब पीटर हिग्स ने ये चीज पोस्टुलेट की तो ये मात्र थ्योरी थी ये सिर्फ एक थ्योरी थी इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च चलता रहा इन ऑर्डर टू वेरीफाई कि क्या ऐसा फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है क्या ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है जिससे कि बाकी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास मिलता है राइट तो कई सालों तक लगभग 50 सालों तक ये शोध चलता रहा 1990s में ठीक है 1990s में एक प्राइज विनिंग हैं जिनका नाम है इनका नाम याद रखना आपके वेरिफिकेशन इस और, इस और इसको आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट था तो गुस्से में आकर या फ्रस्ट्रेशन के मारे इन्होंने कहा कि मैं इस किताब को टाइटल दूंगा गॉड डैम पार्टिकल ठीक है क्या टाइटल दूंगा गॉड डैम पार्टिकल फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने कहा कि ये टाइटल देंगे लेकिन पब्लिशर्स पब्लिशर्स माने नहीं। publishers ने कहा कि थोड़ा पॉजिटिव नाम देना चाहिए ताकि हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। तो इन्होंने नाम चेंज गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल। है तो ज्यादातर फिजिसिस्ट की पॉपुलर पार्लेंस में पॉपुलर आम बोलचाल की भाषा में बोसोन को गॉड पार्टिकल टर्मिनोलॉजी मिलनी स्टार्ट हो गई राइट एंड फाइनली सर्न यानी कि यूरोप की न्यूक्लियर रिसर्च की, की एजेंसी ने एक बहुत सारा पैसा खर्च करके फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर नियर जिनेवा जिनेवा क्या है स्विट्जरलैंड का सिटी है वहां पर एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी क्रिएट की जिसको हम कहते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ठीक है इस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में इन्होंने क्या किया दो बीम्स को पार्टिकल की दो बीम्स प्रोटोन को आपस में टकराया टक्कर करवाई उनकी और टक्कर करवाने के बाद कुछ इमिशन हुई एनर्जी की उन इमिशन को इन्होंने कैलकुलेट किया वो इमिशन आई इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ई ठीक है और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एक फॉर्मूला दिया था ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर ठीक है फॉर्मूला था ना ई इज इक्वल टू एम सी तो इस फॉर्मूले की मदद से ये जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वहां से हमने उसको लाइट की स्पीड के स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका मास डिटरमिन किया जा सकता है और वहां से हिग्स बोज़ोन की एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो गई ठीक है अब उस एक्सपेरिमेंट की बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि एल में प्रोटॉन्स की दो स्ट्रॉन्ग बीम्स वेरी हाईली एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स की आपस में टक्कर करवा के हिग्स बोजॉन इसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करवाया गया ये चीज 2012 में अचीव हुई एंड 2013 में पीटर हिग्स को अपनी 1964 की इस डिस्कवरी के लिए विच गॉट वेरीफाइड उसके लिए नोबेल प्राइज मिला और क्योंकि सिर्फ पीटर हिग्स इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं थे इनके साथ कई और दूसरे साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे जिनमें कि सबसे प्रोमिनेंट जो थे वो एक और व्यक्ति थे वॉज अ पर्सन फ्रांसुआ एंग्लर्ट ठीक है एफ आर ए एन सी ओ आई एस तो इन्होंने के साथ अपना इन 2013 शेयर भी किया ठीक है आज की डेट में हिग्स बोज़ोन हमें बताता है कि किस तरह से पार्टिकल की इंटरेक्शन विद हिग्स फील्ड उनको मास प्रोवाइड करती है और कई सारी जो अनोमलीज थी पार्टिकल फिजिक्स की राइट right, एंड uh, कई सारे जो लक्यूना थे वो अब फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं लेकिन अभी भी रिसर्च और शोध का बहुत सारा स्कोप है जिसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रोग्रेस चल रहा है और आने वाले समय में हमें पार्टिकल फिजिक्स में कई और चीज़ें पता लगेंगी फॉर एग्जाम्पल द मिस्ट्री बिहाइंड डार्क एनर्जी डार्क एनर्जी को भी हमने कल के लेक्चर में कवर किया था अगर किसी ने वो नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देख लें राइट right? वहां पर भी हमने एक थ्री डी मैप बनाने की कोशिश की है उम्मीद की की कर करता हूं कि आज का ये आर्टिकल को डिस्कस किया है ये आपको समझ लग गया है टाइपी कॉमेंट सेक्शन इफ यू हैव अंडरस्टूड आर्टिकल एंड डू हिट द लाइक बटन अगर आपको हिग्स बोजोन जो सीमिंगली बहुत डिफिकल्ट टॉपिक माना जा रहा था वो आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिल गई है तो हिट द लाइक बटन ठीक है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है बट वही बात है कि हमने इसको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने सो so यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको समझाया इट विल वर्क ठीक है पीडीएफ के लिए आप सीएस लाइव ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो राइट फर्दर रीडिंग के लिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए ये अटैचमेंट्स इस पीडीएफ में ऐड कर दिए जहां पर हिग्स पार्टिकल के बारे में आप चीजें पढ़ सकते हैं सिमिलरली लार्ज कोलाइडर को भी स्टडी कर सकते हो आप और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वर्क कैसे करता है उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में भी बताया है है ठीक अब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन जिसका सही सॉल्व हो रहा है इसका मतलब उसको यह कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को करो ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन यस ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट

ठीक है उस क्लासरूम को कौन बना रहा है वहां पर मौजूद बच्चे ठीक है जहां पर वो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या है कि थर्ड सी वहां बैठी है ठीक है वही सारे बच्चे चलते 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 ग्राउंड में प्ले में आ गए तो थर्ड सी कहां पर है प्ले ग्राउंड में बैठी है ठीक है वही बच्चे चलते चलते एक साथ कहां पहुंच गए वो लैब में पहुंच गए तो जो कोऑर्डिनेटर मैम पूछ रही है कि भाई थर्ड सी कहां पर है तो थर्ड सी फिजिक्स लैब में बैठी है ठीक है तो यहां पर ये जो बच्चे हैं वो क्या है और एक साथ मिलकर जो वो क्रिएट कर रहे हैं इज थर्ड सी ये क्या है वो फील्ड फील्ड इज क्रिएटेड ठीक ठीक है 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 तो हिग्स हिग्स थर्ड सी बन गया और जो हिग्स है, वो बच्चे हैं ठीक है और इन बच्चों की बेसिकली एग्जिस्टेंस को एल एच सी ने वेरीफाई कर लिया था इन 2012। आई होप इससे और क्लैरिटी मिल गई है पहली स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मास इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहने का मतलब यह है कि मास तो अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है ठीक है तो उसमें आ रही थी मास इज नॉट एन इंटरेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो हम यूजुअली स्कूल टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स में गहरे शोध ने ये बात को प्रूव किया है कि मास किसी मैटर की इंटरेंसिक प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है

वेरी गुड गिव योर सेल्फ ट्रीट फ्रॉम माई साइड एंड आंसर इसमें चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को हमने कल के सेशन में भी किया था तो यहां पर हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे दट वॉट एक्सैक्टली वॉज लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट इज द लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है इट इज ऑपरेटेड बाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोपियन स्पेस एनर्जी नहीं है, एजेंसी है ठीक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है द एलएचसी इज अ सर्कुलर पाइप दैट इज 27 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज लोकेटेड ऑन फ्रेंको स्विस बॉर्डर नियर जिनेवा इन स्विट्जरलैंड क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है देखो सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंट ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल है ऑपरेटेड बाय ईएसए नो इट इज ऑपरेटेड बाय सर्न ठीक है सर्न बेसिकली क्या है न्यूक्लियर रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ यूरोप फ्रांस में या फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो सीई आर एन कि सत्ताईस किलोमीटर लंबी फ्रांको स्विस बॉर्डर के निकट है इन स्विट्जरलैंड दिस इज ट्रू ठीक है फ्रांस और स्विस के बॉर्डर पर मौजूद है दिस इज ट्रू और किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ट्वेंटी किलोमीटर लॉन्ग इतनी ही है ये ठीक है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट आंसर अगेन ऑप्शन बी ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि इन आप करोगे पीडीएफ से जो आपको कहां मिलेंगे ऑन सी एस लाइव ग्रुप ऑन टेलीग्राम ठीक है तो इसकी हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी एंड क्वेश्चन कैसा भी आ जाए अ विलोजिशन टू इट ठीक है आगे चलते हैं ठीक है आगे बढ़ने से पहले फटाफट आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने यहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंप्लीफाई किया है तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में थ्रू आउट योर जर्नी आप यही काम करते हैं रेगुलरली कई टॉपिक्स को कम करॉस करते हो आप हिस्ट्री में कई चीजें आती हैं ज्योग्राफी में कई चीजें आती हैं साइंस में आती हैं पॉलिटी में आती हैं तो उन्हें सिंप्लीफाई करना एक यूपीएससी एस्पिरेंट का परम धर्म है उस सिंप्लीफिकेशन के बाद ही वो एक अच्छा आंसर लिख पाएगा क्योंकि मेंस के आंसर डेढ़ सौ या ढाई सौ शब्द में लिखने होते हैं और जब तक आपको सिंप्लीफिकेशन की कला नहीं आएगी तो वो डेढ़ सौ या ढाई सौ शब्द में आंसर नहीं लिख पाओगे और जब तक आपके इंटरनली वो सिंप्लीफाइड चीजें नहीं बैठेंगी तब तक आप उसे पेन डाउन भी नहीं कर पाओगे ठीक है तो इंटरनली भी सिंप्लीफिकेशन जरूरी है एंड इस सिंप्लीफिकेशन को करते करते मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें हमेशा पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसा सवाल बना सकते हैं और उसकी कंसिस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए ये पूरा का पूरा एग्जाम की प्रिपरेशन चार स्टेजेस में होती है आप अपनी फाउंडेशन बनाते हैं फाउंडेशन के बाद प्रिलम्स जिसे आज रंग माना जाता है उसकी प्रिपरेशन करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज देते हैं टू एनालाइज कि कैसा एमसीक्यू आ सकता है मैंने उसे कैसे सॉल्व करना है अगर मेरे गलत हो रहे हैं तो मैं कैसे इंप्रूव करूंगा डिस्कशन सुनते हो एम सी क्यू उसकी सोल्यूशन पी देखते हो राइट एंड उसके बाद मेन्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करते हो जहाँ पर सारा सिलेबस जो फाउंडेशन में कर चुके हो उसे दोबारा रिविजिट किया जाता है लेकिन इस बार

टू थाउजेंड के करीब ये कोर्स है तो वो आपको सिर्फ थर्टी थाउजेंडर्टी सेवन थाउजेंड का सिर्फ थर्टी थाउजेंड में डिलीवर घर, घर की जाएंगी अलॉन्ग विद्लाज डाउट सेशन वन टू वन मिनटरशिप और कई सारे फीचर्स हैं ओनली इन रुपीज थर्टी थाउजेंड ठीक है बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाई बड़ी महंगी हो गई है प्रॉब्लम काफी ज्यादा है राइट तो क्या करें देखो यार ऐसा है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत से बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं है ना थिंकिंग कि सेल्फ स्टडी से हमारा काम बन जाएगा अब मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी गलत चीज़ है लेकिन जिस हिसाब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चुके हैं वहां पर गाइडेड मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी बन गई है सेल्फ स्टडी करते हुए एक गलत अप्रोच फॉलो हो गई तो उसमें याद रखिएगा होता क्या है वॉट हैपन्स उसमें आपको याद रखना है कि दो लोग हैं एक ही पॉइंट से शुरू हुए दोनों में हल्का सा अप्रोच का डिफरेंस आ गया ठीक है अब इनिशियली तो लग रहा है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन क्योंकि यूपीएससी लंबी रेस है तो डेस्टिनेशन यहां पर है ठीक है एंड शुरुआत में ही एक माइनर गैप अल्टीमेटली आपको आपके डेस्टिनेशन से काफी दूर पहुंचा देता है तो इसलिए इस तरह की गलती मत करना कि सेल्फ स्टडी करते करते अप्रोच गलत फॉलो कर रहे हो उससे बेटर है कि सही अप्रोच से मेहनत करो एग्जाम क्लियर होगा ठीक है चलिए आगे चलते एक्सप्लेन सेक्शन में और फ्रंट पेज पर भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आया है जहां पर पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट को यूज किया द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज क्यूरेटिव रिट पिटीशन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज क्यूरेटिव रिट पिटीशन ठीक है ये यूज किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि बेसिकली डेली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन राइट एंड अनदर एंटिटी कॉल्ड एज डेली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड जो अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का एक सब्सिडरी है इनके बीच में एक टसल चल रहा था एक डिस्प्यूट चल रहा था रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन ठीक है काफी पुराना डिस्प्यूट चल रहा था और इस डिस्प्यूट में इनिशियली ये फैसला हुआ था कि डेली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन को अपने कुछ लैपसेस की वजह से डी ए एम ई पी एल डेली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को आठ हजार करोड़ रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी राइट right? लेकिन क्यूरेटिव रिट पिटिशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जजमेंट को रिवर्स करते हुए इस कंडीशन को हटा दिया है यानी कि डीएमआरसी के लिए एक बहुत बड़ी सुकून की बात है कि अब उन्हें आठ करोड़ रुपए की पेमेंट अनिल अंबानी के इस ग्रुप को नहीं करनी पड़ेगी ठीक है तो मामले को जानते हैं और आपके दो के के तो एयरपोर्ट को दिल्ली में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए एक डेडिकेटेड एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन बनाई जाएगी लेकिन पैसा काफी खर्च होना था और सरकार के पास जो फंड्स होते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं एंड इवन Manpower जो होती है, होती है है वो लिमिटेड सो कॉन्सिक्वेंटली ये मुनासिब समझा गया कि प्राइवेट सेक्टर को रोप इन किया जाए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास एक्सपर्टीज होती है जनरली प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशियंट भी होता है ठीक है एंड प्रॉफिट बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट इज अ वेरी कोर एम ऑफ ऑपरेटिंग समथिंग राइट तो उस लिहाज से क्या होगा प्रॉफिट अगर किसी ने करना है तो वो कम से कम खर्चे पे मैक्सिमम डिलीवरी

जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो डीएमआरसी बेयर करेगी डीएमई पी एल का जिम्मेदारी क्या थी कि ये डिजाइन करेंगे पूरी मेट्रो लाइन इंस्टॉल करेंगे वहां वहां पर पर जो जमीन दी जाएगी उसमें मेट्रो लाइन को इंस्टॉल किया किया जाएगा राइट? वहाँ पर किया जाएगा राइट रेलवे सिस्टम सेटअप उसको कमीशन किया जाएगा और दो हजार अट्ठतीस तक डीएम <coughs> इस मेट्रो लाइन को ऑपरेट करेगा यानी कि चार्जेस इन्हें मिलेंगे और उन चार्जेस में से कुछ कंसेशन फी ये डीएमआरसी को पे करेंगे ठीक है एज अ पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट

कि ने के ऊपर कुछ लगा दी, या आप कह लीजिए कुछ चीजों की वजह से एक डिस्प्यूट अराइज होना स्टार्ट हो गया सबसे पहले इन्होंने कहा कि डीएमआरसी ने हमें कुछ रेलवे स्टेशन का एक्सेस टाइमली प्रोवाइड नहीं किया जिसकी वजह से यह मेट्रो लाइन थोड़े डिले से चालू हुई ठीक है दूसरा रेलवे एक्टिविटी भी चालू होने के बाद रेलवे एक्टिविटी भी सही से पिकअप नहीं हो पाई तो जो से कि इस मेट्रो लाइन ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू आ सकता है और उसी रेवेन्यू की एस्टिमेशन के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया था कि को, को कितनी फीस देनी है ठीक है एक मेट्रो लाइन बिछा रहे हैं ठीक है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैंने दे दी ठीक है अमित सर ने कहा ठीक है दो तक मैं इसको ऑपरेट कर लूंगा एंड इसका, इसका शेयर तो के दूसरे मेट्रो स्टेशन को, को, को देखते हुए तो एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज एंटर हो गई कि ठीक है अमित सर मुझे लेट से हर साल 100 करोड़ एग्जाम्पल 100 करोड़ ये कंसेशन फी के तौर पर देंगे लेकिन जब मेट्रो चली तो वहां पर लोग ही नहीं आ रहे ने कहा कि यार सौ करोड़ क्या मैं तो एक करोड़ भी नहीं दे सकता लोग आई नहीं रहे ठीक है तो इन दो आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे डी एम ईपीएल ने कहा कि कंसेशन फी जो है इसको रिमिट कर दिया जाए या डेफर कर दिया जाए कि मतलब हम नहीं दे सकते ठीक है ये हटा दिया जाए राइट अब इसमें ये डिस्प्यूट शुरू हो गया और इस डिस्प्यूट की वजह से क्या हुआ कि क्योंकि डीएमआरसी ये पेमेंट देने को तैयार ऑब्वियसली नहीं थी तो एक साल के ऑपरेशन के बाद ये मेट्रो लाइन शट कर दी गई -E जो ये 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 कर रही रही थी, इसने हवाला ये दिया, इसने हवाला दिया, दिया कि कि क्योंकि technical problems आ रही हैं हमें, इस reason की वजह से कि कई stations का एक्सेस नहीं है हमारे पास इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इट ऑपरेट मेट्रो और क्योंकि इट इज अनसेफ सो दैट इज वाई वी नॉट ऑपरेट दिस मेट्रो इन एंड डी इसका चार्ज ले ले, ठीक है तो बेसिकली एग्रीमेंट एक तरीके से टूट गई और इस एग्रीमेंट के टूटने की वजह से क्या होना था कि अब क्योंकि ने अपने भी भी स्टेक्स लगाए हैं अपना भी पैसा थोड़ा सा लगाया है इसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस में राइट और वो एग्रीमेंट टूट रही है बिकॉज ऑफ दीज टेक्निकल प्रॉब्लम जो डीएमआरसी की जिम्मेदारी थी तो इसलिए डीएमआरसी को कहा गया कि आप इस नुकसान का हमें पेमेंट कीजिए ठीक है तो डीएमआरसी ने देखो जुलाई 2013 से मेट्रो ऑपरेट करनी शुरू कर दी मेट्रो ठीक से ऑपरेट होनी स्टार्ट भी हो गई लेकिन 2017 में एक तीन मेंबर्स का आर्बिट्रेशन पैनल बनता है आर्बिट्रेशन पैनल बनाए जाते हैं दो कमर्शियल एंटिटीज के बीच के डिस्प्यूट्स को स्पीडली डिलीवर या जस्टिस जस्टिस उसमें देने के लिए 2017 में जब ये पैनल बना तो डीएमआरसी को कहा गया कि 8000 करोड़ की आपकी लाइबिलिटी बनती है और ये डी को डी को आपने देना है जिसमें से दो करोड़ ये टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट की वजह से आपको पे करना पड़ेगा और जब ये आपने टर्मिनेट की ठीक है तब से लेके अब तक बेसिकली जो इंटरेस्ट बनता है वो 11% परसेंट के इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा और ये कुल मिलाकर कितनी पेमेंट बन जाती है आठ हजार करोड़ और साथ ही साथ निर्देश दे, गया, दे दिया गया कि आठ हजार करोड़ की पेमेंट एक अकाउंट में पचहत्तर परसेंट इसका एक अकाउंट में डाल दीजिए एस्क्रो अकाउंट बेसिकली एक अकाउंट है जिसमें फर्दर पेमेंट बाद में धीरे धीरे करके ये डालते डालते 100 परसेंट इसमें कर देंगे ठीक है आपका होमवर्क एस्क्रो अकाउंट के ऊपर ना थोड़ा सा एक बार सर्च कीजिएगा राइट ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट से भी रिलेटेड है एस्क्रो अकाउंट टर्मिनोलॉजी पूछा जा सकता है इस पर सवाल इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका टाइम टू टाइम मेंशन हो जाता है तो जस्ट गो थ्रू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एस्क्रो अकाउंट ठीक है आप गूगल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं अब जब डेली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन जो कि एक सरकारी एंटिटी है इसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि आठ करोड़ देने हैं हमें तो इन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं होने वाला ठीक है सरकार से सबसे मुश्किल काम होता है पैसे लेना ठीक है रिफंड रिफंड आपके टैक्स का भी अगर मान लो आना है ना सबसे मुश्किल चीज वो तो ये में अपील करते हैं हाईकोर्ट इनिशियली कहता है कि आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन ने ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया है यहाँ पर ठीक है अवार्ड का मतलब जो उनका फैसला है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे अदरवाइज इस आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का बनाने का पर्पस ही क्या रह गया ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि ऐसे केस जल्दी सॉल्व हो तो पहले एच ने

फेवर में अपना फैसला सुनाया जब डीएम को पता लगा तो यह चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने 2021 में ने वही लाने के लिए एक रिट फाइल की। रिट का मतलब होता है कि एक ऐसी रिट, एक ऐसी जहां पर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश और उसके सामने अर्जी दी जाती है कि आपकी पुरानी जजमेंट में कुछ थे कुछ सबस्टेंशियल एविडेंस जो थे वो मिस आउट हो गए थे इसके ऊपर पुनः विचार किया जाए बाय अ बिगर बेंच और अपना ऑर्डर सुनाया जाए इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इसे ठीक है लेकिन फाइनली इसको एक्सेप्ट कर दिया गया और डीएमआरसी की फेवर में इन्होंने फैसला सुना दिया एंड अब आठ हजार करोड़ की पेमेंट डीएमआरसी को डीएमएल -E को नहीं देनी ठीक है तो डीएमआरसी को फायदा है लेकिन इसमें एक कॉज ऑफ कंसर्न है बिजनेस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के ये जो एक्शन है इट हैज बेसिकली ट्रिगर्ड अ नेगेटिव सेंटीमेंट अमंग इन्वेस्टर्स जब दूसरे इन्वेस्टर्स इस बात को देखेंगे कि कैसे भारत में अगर सरकार के एंड पर मान लो कोई लैप्स होता है और केस फाइल होता है और उसमें सरकार की फेवर में केस चला जाता है तो वहां पर हमें नुकसान हो सकता है तो कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट इसको लेकर कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं बट इसका काउंटर ये है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है ठीक है ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर को अगर गवर्नमेंट जैसे मिनिमम गवर क्या है ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अगर सरकार करना चाह रही है कि बेसिकली सरकार कोर ऑपरेशंस में अपना फोकस करना चाहती है जहां पर वेलफेयर एंड फैसिलिटेशन उसका मेन काम होगा और प्राइवेट सेक्टर अब हमारा इतना मजबूत हो गया है कि जैसे किसी टाइम पर नहीं था इतना मजबूत तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काफी सारी सरकारी फैक्ट्री सरकारी सरकार ही संभालती थी लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में भी कैपेसिटी आ गई है कि वो इन चीजों को मैनेज कर सकती है ठीक है रोजमर्रा के काम और जो कोर ऑपरेशंस जो ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके ऊपर सरकार फोकस कर सकती है तो प्राइवेट सेक्टर को एक स्पेस मिल रही है टू वर्क एंड टू ग्रो लेकिन इस स्पेस मिलने का ये मतलब नहीं है कि ज्यादा उछलोगे राइट कानूनों का उल्लंघन करोगे अपने फायदे के लिए आप केस कर दोगे जीत जाओगे और 8000 करोड़ सरकार से मानोगे जो भी एग्रीमेंट है उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं सब प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा ठीक है एंड जो करप्शन होती है भारत में ठीक है भारत में बड़े ही आराम से सरकारी मिनिस्टर्स पर सरकारी ऑफिसर्स पर बड़े आराम से करप्शन चार्जेस लगा लिए जाते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या बिना प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के करप्शन पॉसिबल है करप्शन में जो पैसे दे रहे हैं वो कौन है प्राइवेट सेक्टर ही तो है ठीक है तो प्राइवेट सेक्टर इज इक्वली डेंजरस फॉर ओवरऑल यू नो इकोसिस्टम ऑफ इंडिया जहां पर करप्शन से को फाइट करने हैं हम ठीक है अपना काम सही से ना करना भी करप्शन है जिसका मतलब क्या है कि मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर ने लेट्स से एक एग्रीमेंट के हिसाब से लेट्स से 10 सेंटीमीटर मोटी सड़क डालनी है ठीक है 10 सेंटीमीटर मोटी सड़क होनी चाहिए एक जगह से अगर वो 10 सेंटीमीटर की जगह 7 सेंटीमीटर बनाता है एक सड़क ठीक है 20 किलोमीटर की ये सड़क है ठीक है अपना उसने पैसा बचा लिया अब अपना काम जो करना चाहिए था उसने नहीं किया तो ये क्या है ये करप्शन में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं ये है दिस इज करप्शन ठीक है दिस इज करप्शन राइट सो ये पूरा का पूरा मामला है इसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्ट्स ठीक है फिर मैं क्वेश्चन पर चलूंगा इसमें ना क्यूरेटिव रिट पिटीशन को हमने पढ़ना है क्यूरेटिव रिट पिटीशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल थर्टी टू में हमारे संविधान में कुछ रिट पिटीशन के बारे में बता रखा है ठीक है कुछ रिट पिटीशन जो आप अपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं ठीक है क्यू ओ वेंटो एक्सेट्रा ठीक है ये लक्ष्मीकांत या स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है उसमें आप पढ़ते हो क्यूरेटिव रिट पिटीशन जो है ये हमारे संविधान में नहीं है

एंड अशोक केस राइट इन्होंने कहा कि ये क्यूरेटिव रिट को बहुत ही लिमिटेड लेवल पर इसको ऑपरेट करना है क्योंकि बहुत कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जो मान्यता है और उसका जो वजन होता है इट इज एज गुड एज अ लेजिस्लेशन एक कानून के बराबर होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब उन्होंने एक फैसला दे दिया उस फैसले का पालन हो रहा है जब तक वो फैसला चल रहा है काफी सारी चीजें हो रही हैं लेकिन थोड़ी देर बाद जब क्यूरेटिव रिट पिटीशन के चलते वो अपना फैसला रिवर्स करते हैं तो फिर इतने टाइम में जो चीजें हुई उनका क्या? उससे जो दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ है कि यहां पर दो मेन केसेस हैं जहां पर क्यूरेटिव रिट पिटीशन का केस बनता है पहली चीज अगर एक पार्टी को सुना ही नहीं गया तो उस केस में हम क्यूरेटिव रिट पिटीशन इसको सुनेंगे दूसरा बेसिकली नेचुरल जस्टिस जहां पे फॉलो नहीं होता तो वहां पर क्यूरेटिव रिट पिटीशनलिको जज की मासी का लड़का ठीक है उसी कंपनी में कुछ है ठीक है तो दिस इज कॉन्फ्लिक्टे दो मेन कंडीशन है जिसमें राइट एंड डेथ पेनल्टी के केस में यूजुअली कोशिश की जाती है यूजुअली डेथ पेनल्टी के केसेस में में क्यूरेटिव रिट फाइल की जा सकती है है ठीक तो ये मेनन केस में और डेली गैंगरेप केस में फाइल की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी उन्होंने इन पिटिशन को एंटरटेन नहीं किया ठीक so, है सो दिस इज क्यूरेटिव रिट पिटीशन एंड दिस इज ऑल अबाउट इट एक क्वेश्चन करते हैं उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी सवाल कैसा आ सकता है एंड हाउ यू हैव टू आंसर इट ठीक है अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना मत भूलना एंड प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन क्योंकि जितने ज्यादा ये फैलेगा ठीक है इनिशिएटिव उतनी ही ज्यादा हमें भी एनकरेजमेंट मिलेगी टू ब्रिंग मच मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट एंड इन अ मच बेटर वे इन फ्रंट ऑफ यू तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है तीन स्टेटमेंट्स हैं ठीक है धीरे धीरे बोल रहा हूं उतनी देर में पढ़ लो ये क्वेश्चन

टिव रिट पिटीशन कैन ओनली बी फाइल्ड इन डेथ पेनल्टी केसेस अगर ओनली ये जो डेली मेट्रो वाला केस था इसमें किसी को डेथ पेनल्टी मिल रही थी जवाब नहीं तो यह क्या है फॉल्स ठीक है फर्स्ट फॉल्स थर्ड फॉल्स आंसर क्या बन गया ऑप्शन एनली टू इज करेक्ट ठीक है सो जिनका करेक्ट है गुड जॉब जिनका करेक्ट है एक्सलेंट इट मीन यू हैव अंडरस्टुड वॉट यू हैड टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ दिस न्यूज पेपर आर्टिकल एंड यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ठीक है एंड आई एम कि थोड़ी सी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग कर पाए अगले मुद्दे पर चलते हैं मून के सर्फिस के ऊपर टाइम की एस्टिमेशन को लेकर चर्चा चल रही है बेसिकली क्या है आप जानते हैं कि एक्सप्लोरेशन इनमें एक रिवाइवल आया है एकदम से भारत ने जब से चंद्रयान टू अपना फाइनली भेज दिया है और वो सक्सेसफुली वहां पर लैंड हो गया तो बहुत सारे कंट्रीज अब ल्यूनियर एक्सप्लोरेशन मिशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसी के चलते व्हाइट हाउस ने नासा को एक ऑर्डर दिया है कि मून के ऊपर टाइम एस्टिमेशन को लेकर एक रिपोर्ट पेश करो और वहां पर टाइम का स्टैंडर्ड कैसे सेट होगा उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और उसका एक टाइम स्टैंडर्ड सेट करेंगे जो पूरी दुनिया में देखो आज यहां पर हमारे यहां क्या टाइम हो रहा है अभी इट्स अप्रोक्सीमेटली टेन फोर्टी ठीक है यहां टेन फोर्टी है यूएस में कुछ और टाइम है पाकिस्तान आधा घंटा मेरे ख्याल से पीछे है हमसे ठीक है आधा घंटा पीछे यहाँ टेन फोर्टी नाइन हो रहे हैं तो उनके यहाँ पर दस बजकर उन्नीस मिनट चल रहे होंगे तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टाइम है तो पूरी दुनिया अपनी एक्टिविटीज कैसे कॉर्डिनेट करती है उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कॉर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम इज दैट टाइम जो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है जीरो डिग्री लॉन्गीट्यूड पे जो टाइम इस वक्त चल रहा है उसको यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम कहते हैं ठीक है यूटीसी उसको शॉर्ट में कह दिया जाता है ठीक है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी उसको शॉर्ट में कह दिया जाता है ठीक है तो प्राइम मेरिडियन क्या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम ठीक है जीएमटी राइट एक ही बात है तो वहां पर जो समय चल रहा है वो हमारी दुनिया का समय माना जाता है लोकल टाइम एस्टीमेट करने के लिए जो कंट्रीज इस ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में हैं वो उसमें अपना टाइम जो है ऐड कर देते हैं ठीक है क्योंकि वो उससे आगे चल रहे हैं और जो कंट्रीज उसके वेस्ट में हैं वो उस जगह से पीछे चल रहे हैं तो जो टाइम वहां पर है वो अपनी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसको कर देते हैं राइट right? दूसरा क्या मुझे कोई बता सकता है वॉट इज यूनिट ऑफ टाइम इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज टाइम का ऐसा SI यूनिट क्या है प्लीज बताइए टाइम का ऐसा SI यूनिट क्या है टाइम का ऐसा SI यूनिट है सेकेंड वन सेकेंड यह ऐसा यूनिट है लेकिन वन सेकेंड होता क्या है What इज वन सेकेंड वॉट इज वन सेकेंड वन सेकेंड इज बेसिकली इसको अगर हमने डिफाइन करना है कि कैसे पता लगे आप कहोगे सर जब घड़ी में टुक होता है तो वो वन सेकेंड हो जाता है अब ये कैसे पता लगाए कि आपका ये टुक और मेरी घड़ी का टुक बराबर है और एक्यूरेट है इसके लिए हमने वन सेकेंड को डिफाइन किया है दरअसल वन सेकेंड को डिफाइन करने वाले इनफैक्ट हर ऐसा यूनिट की जो डेफिनेशन दी जाती है कि एक मीटर है क्या एक सेकेंड है क्या ये कौन देता है ये पेरिस में मौजूद इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ये डिसाइड करता है तो इन्होंने कहा है कि वन सेकेंड इज दैट टाइम पीरियड जिसमें एक सीजियम आटम अपनी इतनी फ्रीक्वेंसीज कंप्लीट करता है 919 करोड़ 26 लाख इकहत्तर हजार सात बार वो जो वाइब्रेट हो जाता है ठीक है

जितना टाइम वो लगाएगा अपनी 919 करोड़ 26 लाख इकतीस हजार सात सौ सत्तर वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए दैट इज वन में वो सेम टाइम नहीं लगाएगा वहां पर मामला थोड़ा अलग रहेगा दरअसल आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने इस बात को प्रूव किया था कि क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से टाइम में फर्क पड़ता है तो मून का ग्रेविटेशनल फील्ड धरती से क्या है कम है जिसकी वजह से मून में टाइम थोड़ा फास्ट रहेगा यानी कि धरती पर जितना समय लगाएगा ये आ, ये एटम इतनी वाइब्रेशंस करने में मून पर इतनी ही वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगी जल्दी हो जाएंगी राइट तो इसलिए वहां पर जो समय है थोड़ा तेज चलता है ठीक है ये टाइम की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अब अपना काम दिखा रही है और अगर हम धरती के यूटीसी के हिसाब से ही मून का टाइम सेट कर देंगे कि क्या फर्क पैदा है की फर्क पैंद है फर्क पैंद है बहुत फर्क पैंद है मान लो आपने धरती के यूटीसी के हिसाब से चल रहे हो ठीक है तो उसमें क्या है कि अगर धरती के यूटीसी के हिसाब से चलोगे अर्थ बेस्ड क्लॉक्स अगर मून पर यूज करेंगे तो वो हर दिन 58.7 माइक्रो सेकंड्स लूज करती हैं दे लूज 58.7 माइक्रो सेकंड्स। ओवर अ पीरियड ऑफ़ बढ़ता रहेगा एक साल के बाद और बढ़ता रहेगा हालांकि ये अमाउंट या क्वांटिटी आपको बहुत कम लग रही है लेकिन अगर किसी स्पेसक्राफ्ट ने वहां पर खुद को लैंड करना है डॉक करना है ठीक है मून के हिसाब से आपने एक टाइम सेट कर दिया कि यहाँ पर एक पॉइंट से इतने पॉइंट में आने में इतना टाइम लगेगा ठीक है स्पीड इज इक्वल टू जैसी कैलकुलेशन आप मून में अर्थ की टाइम के हिसाब से करते जा रहे हो तो पता लगा कि दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे उन्होंने ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर लेना था लेकिन आपकी टाइम की गलत कैलकुल उनकी आपस में कोलिजन हो गई तो इसलिए वी कैनोट यूज द अर्थ बेस्ड क्लॉक्स ऑन मून उसके लिए अलग सिस्टम यूज करना पड़ेगा और उसके लिए हम एटोमिक क्लॉक्स का एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसे मून की अलग अलग जगह पर रखा जाएगा और उसके वेटेड एवरेज से हम मून का टाइम एस्टिमेट करेंगे और ये जो जगहें हैं ये डिफरेंट लोकेशन होगी ठीक है तीन क्लॉक्स को सोचा जा रहा है कि रखा जाए राइट और ये लोकेशन भी अलग होगी क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड देर इज समथिंग कॉल्ड एक चीज है उसको क्या कहते हैं रुको उसको कहते हैं मैस्क इज शॉर्ट फॉर मास कॉन्सेंट्रेशन मून पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर मास की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसका लोकल ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज हो जाता है वहाँ पर और जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड उतना स्लो टाइम ठीक है तो उधर टाइम की एरर आ सकती है तो तीन एटॉमिक क्लॉक्स को प्लेस किया जाएगा और फिर ओवरऑल वेटेड एवरेज मून के टाइम के हिसाब से निकाला जाएगा ताकि इस तरह की टकराहट ये ना हो ठीक है बहुत सारे मिशन वाले समय में मून पर लॉन्च किए जाएंगे तो ताकि इन की की आपस में वजह से ज्यादा नुकसान ना हो जाए इसलिए व्हाइट हाउस ने को हैं कि इस पर काम करना शुरू कर दो देखकर पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी ठीक है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन ऑफ टाइम ऑन सेलेस्टियल बॉडीज स्टेटमेंट वन विल विटनेस टाइम फास्टर रिलेटिव टू अर्थ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है अगर किसी बॉडी का मास हायर है तो वो फास्टर टाइम विटनेस करेगी रिलेटिव टू अर्थ मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड का टाइम पर इंपैक्ट पड़ता है जितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होगा टाइम स्लो हो जाता है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड किस चीज पर डिपेंड करता है ये फॉर्मूला आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा जीएमएम अपॉन आर तो यहां पर M क्या है मास है तो अगर मास ज्यादा है किसी का ठीक है अगर मास किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का ज्यादा है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा हो जाएगा ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड टाइम को स्लो करेगा फास्ट नहीं करेगा तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी एस्टिमेशन ऑफ टाइम लैप्स ऑन मून इज डिफिकल्ट ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ नास्कॉन्स ये ट्रू है इन की वजह से ये टाइम को एस्टिमेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए हमें मल्टीपल एटॉमिक क्लॉक्स को वहां पर प्लेस करके टाइम की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी एंड यूनिट ऑफ़ टाइम इज सेकेंड विच इज भी है सात सौ सत्तर टाइम्स ऑन अर्थ ठीक है अर्थ पर जो चल रहा है तो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है स्टेटमेंट टू है पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और कॉन्सिक्वेंटली हमारा आंसर ऑप्शन बी बन जाता है सो so दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए ये ये डिफिकल्ट माने जाते हैं बिकॉज मोस्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि सर साइंस के लिए क्या अप्रोच रखें तो गॉन आर द डेज जब यूपीएससी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में से जनरल साइंस के ऊपर सवाल पूछती थी आजकल साइंस के ऊपर यूपीएससी में दो तरह के सवाल आ रहे हैं एक सवाल आ रहा है कॉमन सेंस के बेसिस पर कि अगर कोई चीज ज्यादा गर्म है तो क्या है? मतलब इस तरह के सवाल राइट जो कॉमन सेंस जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं उसमें से भी ज्यादातर की जो बेयरिंग होती है वो करंट अफेयर्स के ऊपर होती है तो मून पर चल रही डेवलपमेंट्स और पीटर हिग्स की डेथ हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्फेयर में दो इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बताती है और इन दो इंपॉर्टेंट मुद्दों के साथ साथ कुछ और चीजें भी हमने इस सेशन में क्लियर कर ली एंड आई होप इसकी क्लैरिटी से यू हैव गॉट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन

मून के टाइम को डिटरमिन करना जरूरी क्यों है इस पर सवाल बन सकता है एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ठीक है तो इस आर्टिकल को एक बार आप खुद से भी रीड कीजिएगा टेलीग्राम सी एस लाइव ग्रुप पर मैंने शेयर कर दिया है एंड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए सीएस लाइव कोड आपने यूज करना है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी अप्रैल को फोर्टी फाइव थाउजेंड का ये कोर्स आप सिर्फ थर्टी सिक्स थाउजेंड में ले सकते हैं यूजिंग दिस कोड दैट इज सी एस लाइव एंड इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है बुक्स लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज प्रिलम्स क्रैश कोर्स मेन्स क्रैश कोर्स मेन्स टेस्ट सीरीज फ्री मेन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम इफ यू क्लियर प्रिलिम्स और आपकी इंटरव्यू गाइडेंस भी जल्दी इसमें इनरोल करें एंड आई विल सी यू सोन द पेड क्लासेस विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच